सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं इन्फॉर्मेशन दुनिया की तरफ से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार, कि रडार का बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है और ये रडार हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये होता है कि किसी भी रडार सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कोई भी रेडियो वेव, जैसे रेडियो वेव में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं। जनरली हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ट्रांसफर करते हैं जो भी कभी भी किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराता है, यानी जब स्ट्राइक होता है, तो उसके जब हम उसका रिफ्लेक्ट होता है वो, तो वो इको सिग्नल के तौर पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब इको सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है तो रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसको हमारे जो टारगेट है उसके रेंज, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो किस हाइट पे है, किस एल्टीट्यूड पे है, किस एंगल पे है, हमें उसका पता चलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको एक फिगर बना के समझाऊं, तो यहां पर एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर, एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है बेसिक प्रिंसिपल ताकि आप समझ सको इसके। ये है आपका ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये होगा यहां पे टारगेट डिटेक्शन, टारगेट डिटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां से हमने पहले क्या होगा कि पहले हमने कोई भी ट्रांसमीटर से अपना एक इको सिग्नल, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है हमने वो किया। यहां पे एक एंटीना होगा जो कि इसको रेडिएट करेगा। ठीक है, हमारा कुछ जो ट्रांसमीटर सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रांसमिटेड सिग्नल। ठीक है, यहां पे सपोज कीजिए हमारा कोई टारगेट है, ये हमारा कोई टारगेट है, तो ये हमारा कोई टारगेट है। ठीक है, ये क्या होगा, जब भी इस पे हमारा ये इको सिग्नल जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिग्नल। ठीक है, ये जब भी इस पे स्ट्राइक करेगा तो जो हमारा वापस जो आएगा, मतलब जो रिसीवर जो रिसीव करेगा वो होगा हमारा एक इको सिग्नल कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये क्या होगा हमारा इको सिग्नल, जो कि हमारा क्या करेगा, इसको जो हमारा रिसीवर है वो रिसीव करेगा। ठीक है, ये हमारा एंटीना ऐसे, ताकि हमारा रिसीवर यहां पे रिसीव कर पाए और जो जितने भी टारगेट डिटेक्शन है, जो टारगेट है हमारा, ये हमारा सपोज टारगेट है, ये टारगेट डिटेक्शन होगा, यहां पे रेंज हम जान सकेंगे, इंफॉर्मेशन जितने भी तरीके इंफॉर्मेशन होती है वो यहां पे आगे एक्सट्रैक्ट होती है। तो अगर मैं आपको इसका बेसिक मतलब जो बेसिक इसका वो बताएं, अगर मैं आपको इसका नोट्स बताऊं, मतलब कि इसका होगा कैसे, इसको हम कैसे जनरली एक्सप्लेन करते हैं, तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार, ये जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है कि अ ट्रांसमीटर इज इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, ये हमारा ट्रांसमीटर क्या है यहाँ पे अपर लेफ्ट पोर्शन में है, जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जनरेट्स क्या कर रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट कर रहा है, दैट इज रेडिएटेड इन टू स्पेस बाय एंटीना। ये क्या है हमारा यहाँ पे एंटीना, जो कि एंटीना की हेल्प से स्पेस में, यानी हमारे कोई भी फ्री स्पेस में रेडिएट होगा। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड एनर्जी इज इंटरसेप्टेड बाय द टारगेट एंड री रेडिएटेड इन मेनी डायरेक्शन। अब क्या होगा कि एक पोर्शन होगा ट्रांसमिटेड, जो ये ट्रांसमिटेड एनर्जी है सिग्नल है, वो क्या होगा कि एक हमारे पोर्शन पे जाके वो होगा, मतलब यहां पे टारगेट उसको रिसीव इंटरसेप्ट करेगा टारगेट को हमारे। ठीक है, और क्या करेगा, इसको री रेडिएट कर देगा काफी सारे डायरेक्शन में। ठीक है, द रीरेडिएशन डायरेक्टेड बैक टुवर्ड्स द रडार इज कलेक्टेड बाय द रडार एंटीना। अब क्या होगा, जो रीडायरेक्शन होता
वो क्या होगा कि जितने तरीके मल्टीपल डायरेक्शन में इसने किया होगा, अब क्या होगा वहां पे एंटीना जो है हमारा वो रिसीव करेगा उस चीज को, और कहाँ डिलीवर कर देगा, रिसीवर एंड पे। ठीक है, देर इज प्रोसेस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द टारगेट एंड डिटरमाइन इट्स लोकेशन। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होगी कि टारगेट को कहाँ पे रखा गया, कितनी रेंज पे है वो, किस एंगल पे है, और उसके लोकेशन को हम डिटरमाइन करेंगे वहां पे। जनरली क्या होता है कि अगर हम देखें तो एक सिंगल एंटीना होता है ट्रांसमिटर के लिए भी और रिसीवर एंड के लिए भी। ठीक है, यानी अ सिंगल एंटीना इज यूजुअली यूज्ड ऑन अ टाइम शेयर्ड बेसिस फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग व्हेन रडार वेव फॉर्म इज रिपीटेटिव सीरीज ऑफ पल्स। ठीक है, द रेंज और डिस्टेंस टू अ टारगेट इज फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक फ्रॉम द रडार सिग्नल टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड रिटर्न बैक टू द रडार। अब क्या होगा, इसकी रेंज और डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे? जनरली जब हमारा ट्रांसमीटर जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, यानी क्या सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने जिस टाइम पे ट्रांसमिट किया और वही सिग्नल जब हमारा रिसीव बैक हुआ, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद, मतलब इन दोनों को जब हम देखेंगे कि इस बीच में कितना टाइम टेकन है, कि कितना टाइम लगा है उसको वापस रिसीव करने में, उससे हम हमारे टारगेट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जनरली होता क्या, द रेंज और डिस्टेंस टू अ टारगेट इज फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर द रडार सिग्नल टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड रिटर्न बैक टू द रडार। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे काम होगा। ठीक है, जनरली द टारगेट लोकेशन इज एन एंगल कैन बी फाउंड फॉर द डायरेक्शन ऑफ नैरो बैंड बीम विड्थ रडार एंटीना पॉइंट्स व्हेन द रिसीव्ड इको सिग्नल इज ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। If the target is in motion, there is a shift in frequency for the echo signal due to the Doppler effect. अगर target हमारा motion में है, suppose जैसे ये target हमारा motion में है, तो generally क्या होता है वहाँ पे एक Doppler effect मतलब वहाँ पे आ जाता है। Doppler effect basically होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊँ कि Doppler effect क्या होता है, तो डोपलर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब हमारा टारगेट जो है मोशन में होता है, तब मोशन में रहने की वजह से जो हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब कभी हमारा मोशन आगे जा रहा है, तो हमें जो टाइम टेकन कम है वो मोशन में होगा हमारा। जैसे सपोज कीजिए हमारा, हमने कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, ट्रांसमिटेड सिग्नल ने अपना ट्रांसमिट किया, मतलब ट्रांसमिटेड सिग्नल इससे टकराया, फिर जब तक वो रिसीवर के पास आएगा तब तक टारगेट हमारा फिर यहाँ पे वाई पोजीशन पे आ चुका होगा। तो इससे हमारा क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डोपलर इफेक्ट। और जो हमें उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है उसको कहते हैं हम डोपलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डोपलर इफेक्ट बेसिकली यहां से इस इक्वेशन से आप, मैंने समझा दिया कि, और इसके आगे में और अभी डिटेल में हम बात करेंगे डोपलर इफेक्ट के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि डोपलर इफेक्ट यहाँ पे होता क्या है। द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द टारगेट रिलेटिव टू द रडार। द डोपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज वाइडली यूज्ड इन रडार एज द बेसिस फॉर सेपरेटिंग डिजायर्ड मूविंग टारगेट्स फ्रॉम फिक्स्ड और अनवांटेड क्लटर इकोज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट सच एज लैंड, सी और रेन। रडार कैन ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द टारगेट बींग ऑब्जर्व। रडार क्या करता है कि इसके नेचर भी बताता है कि ये जो टारगेट जो हमने इंटरसेप्ट किया है उसका नेचर क्या है। ठीक है, और उसके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि अब इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है वो अगर मैं उसकी बात करूं, वो टारगेट का रेंज बताएगा, लोकेशन बताएगा, ठीक है, उसके नेचर बताएगा, उसकी एंगल को डिटरमाइन करेगा, ठीक है, वो किस हाइट पे है वो भी बताता है। ठीक है, और उसकी जो फ्यूचर लोकेशन होगी, यानी जो फ्यूचर लोकेशन होगा हमारा रेडार, वो भी हमें बताता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा आपको। थैंक यू।